अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपनी रेसिपी में बना रहे हैं बहुत ही यम्मी सा वाइट सॉस क्रीमी पास्ता, जो बहुत मज़े का होता है और रेसिपी बहुत सिंपल सी है। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैक्रोनी, आधा किलो मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये मैंने पानी बॉयल करने रखा था सॉल्ट डाल के। अब मैं इसमें मैक्रोनी डालूंगी। ये हमारे मैक्रोनी चले गए, ये हमारा मैक्रोनी चला गया। जब ये हमारे मैक्रोनी बॉयल हो जाएंगे फिर मैं दिखाती हूँ। अब बनाऊंगी मैं अपनी चिकन बना रही हूँ। ये मैंने चिकन का कीमा डाल दिया है, अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। सॉल्ट हल्दी ज़रूर है, हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, हाफ टी स्पून मैं सॉल्ट काली मिर्ची डाल रही हूँ, सॉल्ट मैंने डाल दिया है। अब हम करेंगे इसको मिक्स। देखिए हमारा पास्ता बॉयल हो चुका है, अब मैं इसको ड्रेन करूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चिकन फ्राई हो रही है, इसका पानी खुश्क हो जाए तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं हमारी चिकन फ्राई हो गई है अच्छे से। पहले मैं आप इसको निकालती हूँ और हम दिखाती हूँ। अब मैं बना रही हूँ वाइट सॉस, उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैं मक्खन ले रही हूँ। ये हमारा 2 टेबल स्पून मक्खन चला गया। मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून मैदा, दो टेबल स्पून मैदा चला गया। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। जब मैदे का थोड़ा कचान निकल जाए ये देखें हमारा ये मैदा और मक्खन अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसमें से थोड़ी कचान ख़त्म हो गई है मैदे की। अब मैं डालूंगी इसमें मिल्क। मिल्क डाल दिया मैंने इसमें। मैं डालूंगी काली मिर्ची, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्ची डाल दिया, हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए फिर मैं इसमें मिक्स करूँगी मैक्रोनी। ये हमारी मिक्स हो गई है, अब मैं इसमें पास्ता डालूंगी। ये हमारा पास्ता जाएगा इसके अंदर, मैं पास्ता डाल दूँ इसके अंदर।
मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है, अब करेंगे हम इसको मिक्स। ये व्हाइट सॉस के साथ मैं इसको मिक्स करूंगी। बहुत ही मज़े की ये बनती है वाइट सॉस पास्ता, क्रीमी पास्ता। ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आती है। बहुत ही यमी बनती है। ये देखिए हमारा वाइट सॉस चीज़ी पास्ता तैयार है। अब मैं डालूंगी इसमें चीज़ ऊपर से और इसको बेक करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा तैयार है वाइट सॉस क्रीमी पास्ता, कितना सदर मज़ेदार लग रहा है। आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।